नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। लास्ट ईयर जो आपकी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हुई थी एमपी बोर्ड की, तो उसमें एमपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों को यहाँ पर जनरल प्रमोशन दिया गया था कुछ विषय में। तो वो किस तरीके का जनरल प्रमोशन दिया गया था, क्या वो जनरल प्रमोशन सही था, इस तरीके का आपको जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों, आपके जो इस साल आपकी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो रही है उसकी अभी करेंट कंडीशन क्या है, आपके एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे, पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी यहाँ पे आप स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर जो आपके एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे 10वीं और 12वीं के, उसी समय हमारे जो कोरोना की कंडीशन थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो एमपी बोर्ड क्लास 10th के जितने विषय के उस समय पेपर हो गए थे उन्हीं विषय से दोस्तों एमपी बोर्ड क्लास 10th का यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया था। और जो 12वीं के पेपर थे दोस्तों, जब लॉकडाउन खत्म हुआ था उसके बाद 12वीं के पेपर यहाँ पर कंडक्ट कराए गए थे। यानी कि पिछले साल एमपी बोर्ड में क्लास 10th में अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आपको एक विषय में जनरल प्रमोशन मिला था जो कि आपका हिंदी था। इसके अलावा अगर आप क्लास 10th इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आपको दो विषय में दोस्तों यहाँ पे पिछले साल जनरल प्रमोशन दिया गया था। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे आपको जनरल प्रमोशन दिया गया था। यहाँ पे मैं आपको दोस्तों दोनों मार्कशीट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये आपके सामने हिंदी मीडियम वाले के स्टूडेंट की मार्कशीट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हिंदी स्पेशल के सामने पास लिखा हुआ है क्योंकि इनका हिंदी का पेपर नहीं हुआ था और यहाँ पे जनरल प्रमोशन दे दिया गया था। और जनरल प्रमोशन में दोस्तों यहाँ पे आपको सीधे पास लिख दिया गया था, आपको किसी प्रकार के यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिए गए थे। और बाकी विषय में आपको दिख रहे होंगे सभी यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है। इस तरीके से जो रिजल्ट बना था वो आपका 400 विषय में से बना था क्योंकि दोस्तों हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के 5 पेपर हो गए थे और दोस्तों 5 विषयों में यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 योजना से रिजल्ट बनाया था, इसलिए यहाँ पे आपको 400 नंबर दिख रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की मार्कशीट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की मार्कशीट है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको इंग्लिश स्पेशल में यहाँ पे आपको पास लिखा हुआ दिख रहा है, हिंदी स्पेशल सॉरी हिंदी जनरल में दोस्तों आपको पास लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसके बाद साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस और संस्कृत में आपको यहाँ पे नंबर दिख रहे होंगे 60, 36, 55, 42। अब दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन दिया था ये दोस्तों बहुत गलत तरीके से यहाँ पे जनरल प्रमोशन दिया है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश में आपको यहाँ पे सीधा लिख दिया गया है पास और हिंदी में सीधा लिखा हुआ है पास। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 10th क्लास के बाद या फिर 12th क्लास के बाद बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, बहुत सारे दोस्तों जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं, नेवी के आर्मी की जो भर्ती होती है, बहुत सारी जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें आपके 10th क्लास के यहाँ पे मार्क्स मांगे जाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको नेवी की ही बात करूँ तो जो नेवी की वैकेंसी निकलती है 10+2 उसमें आपके मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के यहाँ पे मार्क्स मांगे जाते हैं जो कि आपका दोस्तों एवरेज यहाँ पे 70% होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों पिछले साल जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पे 10th क्लास दी होगी इंग्लिश मीडियम से, अगर वो लोग यहाँ पे नेवी का या फिर डिफेंस का यहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो उनको दोस्तों मैथ्स, साइंस, इंग्लिश के नंबर डालने पड़ेंगे। आप सपोज दोस्तों, ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे अपने मैथ्स के नंबर डाल देगा, साइंस के नंबर डाल देगा, लेकिन दोस्तों इंग्लिश के नंबर कैसे डालेगा क्योंकि इंग्लिश में तो यहाँ पे आपको पास लिखा हुआ है और ऐसा अलग से कोई ऑप्शन नहीं आता है अगर आप डिफेंस का फॉर्म भरोगे। तो दोस्तों इस कारण एमपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको दोस्तों डिफेंस या फिर नेवी का फॉर्म भरना है या फिर आर्मी का फॉर्म भरना है तो वो लोग फ्यूचर में दोस्तों आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए ऐसा कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं होता है। किसी भी फॉर्म में दोस्तों ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है होता है, आपको वहाँ पर अपने नंबर डालना ही पड़ता है। लास्ट ईयर CBSE बोर्ड में भी यहाँ पर जनरल प्रमोशन मिला था लेकिन उन सभी बच्चों को यहाँ पर हर विषय में यहाँ पर नंबर दिए गए थे। जैसा एमपी बोर्ड में जनरल प्रमोशन मिला था ऐसा किसी भी बोर्ड में यहाँ पर जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया था। तो दोस्तों ये तो पिछले साल की बात थी, अभी एमपी बोर्ड के बच्चे बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है क्योंकि दोस्तों इस समय बहुत सारी ऐसी न्यूज़ चल रही है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि एमपी बोर्ड के एग्जाम कैंसिल करा दिए जाएंगे, इस बार भी आपको जनरल प्रमोशन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अभी एमपी में जो कोरोना की कंडीशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। अगर मैं आपको भोपाल की ही बात करूँ तो भोपाल में अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर लो या फिर दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करो, सभी हॉस्पिटलों की दोस्तों जो हालत है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। किसी भी हॉस्पिटल में दोस्तों आपको आसानी से यहाँ पर बेड नहीं मिलेगा। सपोज़ आपको बेड यहाँ पर मिल भी जाता है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार यहाँ पर रोज़ ऐसी न्यूज़ आ रही है कितने मरीज़ हैं, कितने पेशेंट हैं जो कि दोस्तों ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पर मर रहे हैं। अगर मैं आपको दोस्तों पिछले कुछ दिनों की न्यूज़ बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीपल्स हॉस्पिटल की न्यूज़ है। दोस्तों जो पीपल्स हॉस्पिटल है भोपाल के, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें सबसे जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें पीपल्स हॉस्पिटल का भी नाम आता है। जब ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में दोस्तों ऑक्सीजन की कमी के कारण 10 से 12 लोगों की यहाँ पर डेथ हो रही तो आप सोच सकते हैं कि बाकी हॉस्पिटल में क्या हालत हो रही होगी। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए अगर आपको हॉस्पिटल मिल जाता है, बेड मिल जाता है और ऑक्सीजन की भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है
एक रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन है। सपोज दोस्तों आपकी जो कोरोना की कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट को यहाँ पे रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों जो रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन है इसकी भी बहुत यहाँ पे मारा मारी है। यहाँ पे आप दोस्तों न्यूज़ देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों की न्यूज़ है। ये जो हमीदिया हॉस्पिटल आपको दिख रहा है भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, जब इतने बड़े सरकारी हॉस्पिटल में 863 इंजेक्शन चोरी हो जाते हैं तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय जो कोरोना की कंडीशन है और जो हॉस्पिटल की कंडीशन है कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अगर दोस्तों भोपाल में ये हालत है तो बाकी छोटे छोटे जिले और जो बाकी एमपी के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कितनी ज़्यादा यहाँ पे हालत ख़राब होगी। तो दोस्तों अभी जो कंडीशन है इसके हिसाब से अभी आपके 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान और पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी दोस्तों आपका 10th और 12th क्लास का रिगार्डिंग फैसला लिया जाएगा आप सभी की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। और अभी की कंडीशन की मैं आपको जानकारी दूँ तो दोस्तों अभी तक की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके हिसाब से जो आपके 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा है मैक्सिमम चांसेस है उनको कैंसिल करा दिया जाए। और जैसा आपका 9वीं और 11वीं क्लास का रिजल्ट बना, यानी कि दोस्तों जो आपके हाफ ईयरली और जो रिवीजन टेस्ट कराए गए थे उसके बेसिस पे आपका 9वीं और 11वीं क्लास का रिजल्ट बनना है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका 10th क्लास का रिजल्ट भी इसी तरीके से बना दिया जाएगा। लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों अभी आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आप जितनी भी फालतू की न्यूज़ देख रहे हैं उससे आपका दोस्तों यहाँ पे समय और आपका माइंड ख़राब होगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी इस तरीके की कोई भी फेक न्यूज़ नहीं देखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। जो भी डिसीज़न होगा, जो भी एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का डिसीज़न लिया जाएगा आप सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको एमपी बोर्ड की सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।